वहाँ छाया में ले जा रहे हैं। ये पत्रकार है भाई, कहीं भी ले जा सकते हैं। आओ किधर हम जाओ। बोलो किसका मारने वाला वही है, नाम दे दिए तो ये कार्रवाई करेंगे बोले हैं। अब तो सूचना मिली किस हालत में, जो कराने सुबह में मिले अकबर आया बुलाने के लिए, बोला था कि बॉडी पड़ी है कौन है तेरे देख के। मैं भी गया, मैंने पहचाना नहीं मेरा भाई है। अकबर ने बोला कि ये तेरा भाई है, ये क्या पता चला कब घर आया था, क्या कुछ आपसे विवाद किसी से आया विवाद में 12 महीने पहले थोड़ा मारपीट की थी जेठाराम को, उसी ने की थी लड़के ने। किस किसी की कितनी विवाद क्या होती है बोल गए दुकान पे, कोई भी क्या फ्री कर देते बोल गए। अब आप किसी से मिले थे साहब ने मतलब ये बोला कि कार्य कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे थे ऐसे कुछ जिंदगी दिए किसी काम के। दारू का ठेका था, उनके ऊपर रात का चला गया था, वहां से बारिश आ गई, बारिश से रात रोक संभाला नहीं उनको, सुबह में उनकी बॉडी वहां मिली और हमारा शक उनके ऊपर था। किसके ऊपर शक है, पहले वो जो ठेके वाला है उनके ऊपर, पहले साल भर पहले उनकी बोल चाल हुई आपस में भाई, दारू लेने गया उनको बोल चाल हुई, उनको दो तीन बार उनको कूट मार भी किया, हमारे को बात नहीं करी भाई, मेरे से ऐसी है ये तो उनका हम पूछताछ करता पूछताछ हमारे से उन बात करी नहीं, हमने किया नहीं। अरे उनके बाद में ये ठेके पर चला गया, सुबह में बॉडी उनकी वहाँ ही मिली ठेके पर। उसके बाद भी बहना वगैरह दिया क्या, कितने दिन वो पुलिस ने सर ने आगे जो आके आपको जो निकाल दूध का दूध करेंगे पानी का पानी बताएंगे, ऐसा हमको कह के 10-12 दिन आया, उनके बाद में कोई फैसला मिला नहीं, ये बात है। एसपी साहब को मिलने आए, एफआईआर दिया है, इनका कार्रवाई करा जाए साहब, हमारे से अनिति बहुत है, हमारा आदमी मरा जाए, इनकी कोई कार्रवाई नहीं है, कुत्ते की उनकी होती है, इनकी कार्रवाई है नहीं आदमी की, कोई ऐसे ही मार के फेंक दिया, कोई तो भरोसा कर भाई क्या इनको मारे तो हम बैठे हैं उसके ऊपर शांति कर गए, कोई इनका निकाल भी नहीं है, ये बात है। अरे पहले तो हमारे को पता नहीं है, उन बात करी नहीं, पहले बोले दारू के ठेके पर जाता है, आप दुकान पर अपन जाओ तो अपन औजार सीज मांगते तो देता नहीं है, तो औजार मांगी होगा उनके लिए बोले होगा क्या बात बोले, उनको हमारे को पता नहीं है। अब आप क्या करते, हमको इनका जो फैसला मिलना चाहिए। आज एसपी साहब से मिलने का कारण तो यही था, जो किटनोरिया हत्याकांड जो है जेठाराम की हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस और प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा था कि 10 दिन के अंदर हम खुलासा करेंगे, तो उसको लेकर के आज 12 दिन हो गए हैं, इसलिए हम लोग आज एसपी साहब से दोबारा मिलने आए थे, क्या प्रोग्रेस है, क्या हुआ है, कहां तक मामला जांच आगे बढ़ी है, उस संबंध में बातचीत करने के लिए हम लोग यहां पर सभी लोग आए थे, उनके परिजन भी साथ में हैं, सब लोग आए थे। और जब एसपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अभी बाकी तो ठीक है, जांच अपने हिसाब से चल ही रही है, लेकिन जो FSL के लिए जो रिपोर्ट आनी है जहाँ वो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार है, तो उन्होंने बताया कि हमने DU लेटर जारी किया है, थोड़ा इमरजेंसी में इसको लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कि कहीं वाता माहौल ख़राब ना हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी जाँच मंगाई जाए, उसके बारे में बताया। दूसरी बात ये थी कि जो साथी लोग आए हुए हैं आज सामने किटनोरिया से, उन लोगों में से भी परिजन भी है, गाँव के सरपंच वगैरह वो सभी लोग साथ में, उन लोगों ने भी बताया कि भाई
जो कुछ तथ्य जो पुलिस के सामने नहीं आ पाए हैं तो उनसे अवगत करवाने के लिए ये पूरी जो है लोग आए थे और पूरी टीम मिली है, हम लोग सब लोग मिले हैं। उन सारे तथ्यों को हमने लिखित में दिया है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जांच करने की आवश्यकता है, जो अभी तक एक कह सकते हैं कि वो कहीं जो कहानी या फिर ऐसी बातें हैं ना वो जो सामने नहीं आई थी अब तक, क्योंकि उनके घर में भी एक वातावरण इस तरीके का था तो परिवार की महिलाओं से वगैरह से बातें नहीं हो पाई थी, उस संबंध को लेकर के हम आज मिले थे।